बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लेह प्रेस क्लब का आरोप, बीजेपी ने पत्रकारों को पैसा बांटने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव का रण जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां लेह प्रेस के क्लब के भाजपा पत्रकारों को पैसे बांटने की कोशिश का आरोप लगाया है। लेह प्रेस क्लब के मुताबिक बीजेपी ने क्लब के सदस्यों को पैसों से भरे लिफाफों की पेशकश का रिश्वत देने की कोशिश की है। लेह प्रेस क्लब के इस आरोप के बाद घमासान मच गया है। एक तरफ भाजपा ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि आरोप राजनीति से प्रेरित है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को घेरते हुए चुनाव आयोग और जम्मू कश्मीर पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। लेह प्रेस क्लब का पत्रकार सामने आने के भाजपा के प्रत्याशी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने धमकी दी कि यदि प्रेस क्लब सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता है तो मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह के आरोपों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर प्रेस क्लब सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता है तो वह उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। रविंद्र रैना ने कहा कि आरोप निराधार और दुष्टाचार है तथा यह राजनीति से प्रेरित कदम है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लेह प्रेस क्लब का पत्र शेयर करते हुए इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और जम्मू कश्मीर पुलिस को लेह प्रेस क्लब के पत्रकार की संज्ञा लेनी चाहिए। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रैली में इस्तेमाल हुई सरकारी गाड़ियों में लगे भाजपा के झंडे। अमेठी आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में पिछले कुछ दिनों योगी आदित्यनाथ और बहुजन पार्टी की अध्यक्ष मायावती पर कुछ घंटों के लिए प्रचार की रोक लगा दी गई थी। यह उल्लंघन चुनावी भाषणों को लेकर था, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन सिर्फ यही तक नहीं सीमित है। प्रचार के दौरान सरकारी बसों पर पार्टी की सिंबल का इस्तेमाल करना भी उल्लंघन है। अमेठी में इसी आचार संहिता की धज्जियां उड़ी जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली में सरकारी बसों में बीजेपी सिंबल के झंडे का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रचार के लिए अमेठी में रोड शो किया। उनके रोड शो में बाराबंकी और प्रतापगढ़ से भारी भीड़ जुटाई गई। वहीं रोड शो में परिवहन निगम की 60 से ज्यादा बसों का इस्तेमाल हुआ, जिसमें सत्ता की अनक के आगे आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। रोड शो में इस्तेमाल की गई सरकारी गाड़ियों में भाजपा के झंडे लगे हुए थे। इसे पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।